हो गया रिकॉर्ड। अभी फाइव मिनट हो गया। तो ऑफिशियल वाला क्लियर है बिल्कुल आपको। दूसरा आता है कि थ्रो डिफरेंट ट्रीटमेंट, जो मैंने आपको बताया। दूसरा क्या आएगा? थ्रो डिफरेंट ट्रीटमेंट। हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे। जैसे एक डॉक्टर उसको पेशेंट को ठीक करने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट देता है। तो अब ये चीज तो हमने बाउंड कर दी। दूसरा क्या करा हमने? एजुकेशन सिस्टम में स्कॉलरशिप भी हमने देनी शुरू कर दी। यानी कि जो बच्चा इस चीज को अचीव करे, भाई जो पुअर उससे आ रहा है, उसको स्कॉलरशिप दे दी ताकि वो उससे पढ़ सके आगे, या उनके लिए हॉस्टल की सुविधा कर दी। ये क्या है? डिफरेंट ट्रीटमेंट हो गए। स्कॉलरशिप या उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना, या जैसे अब हमने रिजर्वेशन जो शुरू करा, ये डिफरेंट ट्रीटमेंट में आएगा। पहले नहीं था ये, हमने आगे करा कि हमें समानता लाने के लिए हमें रिजर्वेशन भी देना पड़ेगा। जो ग्रुप, जो कास्ट आगे नहीं आ पा रही है लेवल में, भाई जो डिफरेंस था वो लेवल में नहीं आ रही है, तो हमें उनको किसके थ्रू उनको आगे लाना पड़ेगा। तो हमने ये क्या करा? रिजर्वेशन की नीति अपनाई। इस टेक्निक को अपनाया कि कुछ लोगों को, कुछ कास्ट को, जो सबसे पिछड़ी हुई कास्ट है, उनको रिजर्वेशन दीजिए आप। गर्ल्स एजुकेशन को आगे बढ़ाया, भाई कहीं भी एडमिशन देने के लिए आप इसमें डीयू वगैरह में भी एडमिशन लेते हो। बॉयज के लिए कम परसेंटेज रहती है, गर्ल्स के लिए ज्यादा रहती है, कहीं पर उनको कम परसेंटेज में भी हो जाता है। तो ये क्या है? रिजर्वेशन है। और कुछ कास्ट के लिए हमने करा, तो ये कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करी जिसके कारण भी हम क्या ला सकते हैं? इक्वलिटी ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है सकारात्मक कार्रवाई। सोच को चेंज करना शुरू करा लोगों की, अफर्मेटिव एक्शन मतलब ये ट्रीटमेंट आ रहे हैं कि हम कैसे इस असमानता जो हो रही है, इनइक्वलिटी हो रही है, इसको किस किस तरीके से कम कर सकते हैं। पहला वाला भी क्लियर हो गया, थ्रो डिफरेंट ट्रीटमेंट भी हो गया। भाई रिजर्वेशन तो आप बहुत सारा अपने सामने देख रहे हैं, बहुत फेस करा है, इसके अकॉर्डिंग तो आपने बहुत सारी चीजें फेस करी है। तीसरा है अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि सकारात्मक कार्यवाही। हमें इसके साथ लड़ना होगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, मतलब हर व्यक्ति के माइंड में पॉजिटिव थिंग को लाना पड़ेगा कि डिफरेंस नहीं करना, दोनों क्या है? इक्वल है। भाई गर्ल्स की एजुकेशन में भी आप इतना खर्च करिए, बॉयज के भी, भाई गर्ल्स की एजुकेशन पे कर रहे हो तो उसका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। भाई गर्ल्स भी तो शादी होके किसी और फैमिली में जा रही है तो उसका भी फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। भाई बेटे को भी पढ़ा रहे हो तो आपकी फैमिली हो रही है, तो गर्ल्स को पढ़ा रहे हो तो दूसरी फैमिली सिक्योर हो रही है। तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा चाइल्ड एजुकेशन के लिए। तो ये सब क्या चीज है? सकारात्मक। जो जिन लोगों को ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, उन्हें बताना पड़ेगा। भाई जब तक हम उन्हें नहीं बताएंगे कि आपको ये राइट्स मिला हुआ है, तो आप जब तक यूज ही नहीं करोगे उस राइट्स का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अवेयरनेस वाले प्रोग्राम करेंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, टीवी पे करेंगे, जगह जगह होल्डिंग बोर्ड लगाएंगे। अब जैसे मोदी जी की कोई भी नई चीज आती है तो वो क्या करते हैं उसके लिए? एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना कि ये सब हो रहा है। नहीं नहीं, उन्होंने अपनी जो उसमें चलाई है, पॉलिसी चलाई है, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी क्या है? जब तक हम इनको आगे फॉलो नहीं करेंगे ग्रुप के थ्रू, तो लोगों तक कैसे पहुंचेंगी ये सारी? कि लड़कियों के लिए इतनी सारी सुविधाएं हैं और जो लोग नई एजुकेशन ले पा रहे हैं तो वो ये ले सकते हैं। तो ये सब इनके थ्रू हम क्या लाएंगे? लोगों में समानता। जैसे अब से 10 साल पहले अगर आप देखो तो दहेज को लेकर, डॉरी उसको लेकर बहुत ज्यादा केस होते थे, है ना, बहुत ज्यादा केस होते थे। तो उसके खिलाफ क्या हुआ? अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, लोगों को अवेयर किया गया कि क्यों ऐसा दहेज के साथ हो, क्यों डिमांड की जा रही है।
भाई एक लड़की की एजुकेशन में भी उतना ही खर्चा हो रहा है, बॉयज की भी एजुकेशन में भी हो रहा है। भाई लड़की को एक पेरेंट्स पढ़ा लिखा कर दूसरे घर भेज रहे हैं, तो वो भी तो कमा कर आपको खिलाएगी, तो फिर नीड क्यों है आपको, डिमांड क्यों होती है आपकी दहेज की डिमांड? गाड़ी नहीं दी तो आग लगा दी, वो मार दिया, ऐसे केस कितने होते थे पहले, लेकिन अब आपको ऐसे केस कम नजर आते हैं क्योंकि लोग अवेयर हो चुके हैं। वो ना तो लेना पसंद करते हैं ना देना पसंद करते हैं। भाई अपनी इच्छा से आप दे दीजिए, लेकिन बाउंड नहीं है कि आपको ये देना ही देना है ना। लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ फैमिली ऐसी होती थी जो देती थी, लेकिन मिडिल क्लास वाले ना तो ऊपर देख सकते थे ना नीचे, क्योंकि इतना वो हाई लेवल तक खर्चा नहीं कर सकते थे, और इतने वो भी नहीं थे कि वो इतना भी नहीं कर सके, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ता था शादी करने के लिए। तो इसलिए उनको लगता था कि बेटी क्या है, एक बर्डन है, क्योंकि उसकी एजुकेशन पे खर्च करो फिर उसकी शादी के लिए खर्चा करो, तभी तो बर्डन नजर आती थी। तो अब हम इस चीज को अगर वो खिलाफ केस कर देती है, तो आपने भी देखा है रिजल्ट कितना आता है उसका। तो ये सब प्रोग्राम अवेयरनेस के चलाए जाते हैं, तभी हम ये सब चीजों को, इक्वलिटी को ला सकते हैं। और आप भी अब अगर देखते हो आपकी सोसाइटी में कहीं भी आपको लग रहा है इन इक्वलिटी हो रही है, तो उसके खिलाफ बिल्कुल काम करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, हम कुछ नहीं जान रहे, फिर हमारे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है कि हमें ये सारी चीजें पता है और फिर भी हमने आंखें बंद कर रखी है, क्योंकि एक साथ कोई किसी के साथ नहीं आता। जब हम एक कदम चलते हैं तो दूसरा कदम भी हमें, भाई अगर आप चल रहे हो कहीं सड़क पर, आपने एक कदम बढ़ाया तो आप मंजिल तक नहीं पहुंचते ना, आपको दोनों कदम बढ़ाने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आप बढ़ोगे तो दूसरा भी आपके साथ आएगा। तो ये सब चीजें हम किससे करेंगे, इक्वलिटी लाने के लिए हमें अवेयरनेस करनी पड़ेगी। कहीं भी आप देख रहे हैं तो आप ऐसे पॉइंट ढूंढो जहां आपको लग रहा है कि सोसाइटी में अब भी ऐसे काम हो रहे हैं, तो आपको, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप क्या है, एक जागरूक नागरिक हैं, आप फ्यूचर हैं देश का, तो आप लोगों को ये सारी चीजें इसीलिए तो पढ़ाई जा रही है विषय में कि ये सब चीज हमारे यहाँ है, यदि हम इसको मिस यूज कर रहे हैं तो हम दूसरे की साथ असमानता कर रहे हैं। अब जैसे कोई अपने यहाँ पर छोटे बच्चों को नौकर रख लेता है, एज ए सर्वेंट काम कराने लगता है, तो वो क्या राइट्स है उसको? आपने पढ़ा हुआ है ना, लेबर चाइल्ड लेबर क्या है, अवॉइड है, नहीं यूज कर सकते। अगर उसके खिलाफ आपने केस कर दिया तो बचा नहीं सकते आप जिसने चाइल्ड लेबर का यूज किया हुआ है। तो अवेयरनेस करनी पड़ेगी, तो ये कौन करेगा, आप करोगे, आपको इसीलिए